क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी के कारण पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू ने बताया कि आसानी चक्रवात का प्रभाव 2 से 3 दिनों तक महसूस किया जाएगा, हालांकि इसके बाद फिर से धूप खिलेगी। काफी गर्मी रही है, खासकर जो वेस्ट विदर्भ है, अकोला में 45.8 तक टेम्परेचर चला गया था। वेस्ट विदर्भ काफी गर्म था, लेकिन चूंकि एक जो साइक्लोन है, सीवियर साइक्लोन था बंगाल की खाड़ी में, वो जिसका नाम आसान है, वो साइक्लोन के इफेक्ट अब विदर्भ में आज से पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके चलते जो हवा की डायरेक्शन भी चेंज हुई है, मॉइस्चर इंकर्सन भी शुरू होगा, तो शाम को थोड़ा बादल आ सकते हैं, थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है और हल्की बारिश हो सकती है, खासकर जो ईस्ट विदर्भ है, जैसे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, नागपुर में भी थोड़ा उसका असर हो सकता है। तो ये इसके असर से जो है, अभी आज और कल टेम्परेचर थोड़ा गिरेगा, 1 से 2 डिग्री गिरने की संभावना रहेगी अधिकतम तापमान में। उसके बाद में 2 दिन के बाद में फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और गर्मी जो है फिर से बढ़ेगी। गर्मी में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि अभी हवा का डायरेक्शन, साइक्लोन हालांकि थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, अभी सीवियर साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन है, लेकिन वो जैसे जैसे पास आता जाएगा, अभी आंध्र प्रदेश के तट में है, जैसे जैसे पास आएगा तो थोड़ा उसका इफेक्ट वेस्ट तक होगा, तो टेम्परेचर तो गिरेगा सभी जगह थोड़ा, पर बारिश की संभावना ईस्ट विदर्भ में ही रहेगी, वेस्ट विदर्भ में नहीं है। जैसे ही ये इसका साइक्लोन का असर खत्म होगा, फिर से नॉर्मल नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जैसे ही होगा, तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब 1-2 दिन के बाद में जैसे शुरू होगा, तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद में, तो 4th-5th दिन, मतलब जैसे आज 11 है, तो 15-16 के आसपास में फिर से हीट वेव का जो है अलर्ट चालू हो जाएगा।